हेलो फर्स्ट ईयर। तो आज हम अपनी डेंटल एनाटॉमी शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले डेंटल एनाटॉमी के इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रो, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका इंट्रो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो डेंटल एनाटॉमी बेसिकली है क्या, इसका हम पढ़ते क्यों हैं डेंटल एनाटॉमी, कोई भी चीज़ अगर हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। तो डेंटल एनाटॉमी हम पढ़ते क्यों है, ताकि अब हमारे पास टीथ है, टीथ है, अब ये अलग अलग तरह के टीथ होते हैं हमारे पास, है ना, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं। तो उस पर हमारे पास इंसाइजर्स और मोलर्स। एक टूथ का क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, ठीक है, उसका शेप साइज वगैरह क्या टीथ है, को आइडेंटिफाई कैसे करें कि वो कौन से वाला दांत है। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे डेंटल एनाटॉमी के अंदर। और एक दांत बनता कैसे है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और वो कब बनता है, कब शुरू होता है, वो कब खत्म होता है, उसकी डेवलपमेंट, वो कब इरप्शन होता है, इरप्शन मतलब वो बाहर कब निकलता है, हमारी जो एल्वियोलर बोन होती है उससे बाहर, ताकि हम उसे देख सके, ठीक है, माउथ के अंदर। तो ये जो सारी चीज़ें हैं हम पढ़ते हैं, ये डेंटल एनाटॉमी में पढ़ते हैं। बेसिकली अगर एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी जाए तो स्टडी ऑफ डेवलपमेंट, मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन ऑफ टीथ। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारे पास डेंटल एनाटॉमी है। अब डेंटल एनाटॉमी में हम दूसरा जो पॉइंट है वो ये याद रखते हैं कि हम ह्यूमन डेंटिशन जो होता है उसके अंदर कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं टूथ को, ठीक है, दांत को, टीथ को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किन बेसिस पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो चीज़ भी हम इसमें पढ़ते हैं। तो दो चीज़ याद रखनी है डीए के अंदर। उसके बाद हम अब पढ़ने वाले हैं डेंटिशन। जो दांत होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर, वो दो बार आते हैं, ठीक है, कितनी बार आते हैं, दो बार आते हैं, वो आप प्लस टू में पढ़ चुके हैं, ठीक है, और आई थिंक प्लस वन में ही है चैप्टर डाइजेशन, उसके अंदर ही पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास दो तरह की डेंटिशन होती है, सबसे पहले प्राइमरी या टेम्परेरी जिसे बोल सकते हैं, सेकंड इज परमानेंट। ठीक है, तो जो पहली है वो है हमारे पास प्राइमरी, या फिर इसको हम बोलते हैं डेसीडियस। ठीक, अब जो प्राइमरी है या डेसीडियस है वो कब शुरू होती है, अब हम ये देखते हैं ये होती क्या है, उसमें कितने दांत होते हैं, हम ये देखेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास प्राइमरी है डेंटिशन, ये शुरू हो जाती है जब एक बेबी या एम्ब्रियो अपनी मदर के वॉब में होता है, ठीक है, यूट्रस के अंदर होता है, और कौन से वीक में, 14th वीक में। ठीक, और ये कब तक दांत आते हैं एक बच्चे के, जब वो 3 साल का हो जाता है, ठीक है, इतने में उसके जो प्राइमरी डेंटिशन है वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके कितने दांत होते हैं वो तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो अब हमारी सेकेंड जो डेंटिशन कब शुरू होती है ये देखते हैं, और हमारे पास ये कब तक चलती है। तो जो परमानेंट हमारे पास डेंटिशन होती है वो हमारे पास 6 to 12 years तक चलती है। हमारे पास 32 टीथ होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास कौन से दांत नहीं होते बच्चों में, प्रीमोलर्स नहीं होते, और यहाँ पर हमारे पास प्रीमोलर्स आ जाते हैं, तो 32 टीथ कंप्लीट हो जाते हैं परमानेंट के अंदर। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं, मिक्स डेंटिशन। अब मिक्स में क्या होता है, एक बच्चे के दांत आ जाते हैं। अब एक बच्चे के दांत कब तक आ जाते हैं, पूरे 3 तक आ जाते हैं, जब वो 3 साल का होता है, ठीक है, उसके दांत जो है वो कुछ साल तक रहते हैं। फिर जब वो 6 से 12 साल तक का होता है तो बीच में क्या होता है, उसके कुछ दांत गिरते हैं, कुछ नए निकलते हैं, ठीक है, 6 साल के बाद, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स डेंटिशन, जिसके अंदर हमारे पास सेट होता है प्राइमरी टीथ का भी और परमानेंट टीथ का भी और टेम्परेरी टीथ का भी, ठीक है, दोनों का ही हमारे पास इसमें सेट होता है, इसलिए हम इसको मिक्स डेंटिशन बोल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इनको हम कैसे नोमेनक्लेचर करते हैं, इनका हम नाम कैसे रखते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना, जो परमानेंट डेंटिशन है वो कंप्लीट होती है 14 से 15 साल तक, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास तब भी 3rd मोलर नहीं आता, ठीक है, और जो कंप्लीट डेंटिशन होती है उसके अंदर 32 टीथ होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर। तो अब नोमेनक्लेचर के अंदर हम क्या करते हैं, दो चीज़ें देखते हैं। नोमेनक्लेचर क्या होता है, नामकरण, जैसे एक घर में बेबी होता है तो हम उसका नाम रखते हैं, तो ऐसे ही दांतों का भी नाम रखना जरूरी है, ताकि हम पता कर सके कि कौन से दांत में दिक्कत है। अगर हम बता रहे हैं कि मेरे दांत में दिक्कत है किसी को, तो कौन से दांत में दिक्कत है ये भी तो पता होना चाहिए, तो इसीलिए डिफरेंस करने के लिए हमने अपने दांतों को भी नाम रखा हुआ है, ठीक है। अब जो नोमेनक्लेचर है वो हम ठीक है दांतों का नाम भी रखा हुआ है। अब हमारे पास दो टर्म्स होती है, एक होती है मैंडिबल, एक होती है मैक्सिलरी, ठीक है। मैंडिबल वाला इसको हम बोलते हैं मैक्सिलरी पार्ट, और नीचे वाले को बोलते हैं मैंडिबल। अब ये किस बेसिस पे बोलते हैं, क्योंकि ऊपर जो बोन होती है यहाँ पर वो मैक्सिला बोन होती है, ठीक है, और नीचे मैंडिबल बोन होती है, तो वो दोनों के कारण यहाँ का नाम मैक्सिलरी पड़ा है और यहाँ का मैंडिबल। अब इसके अंदर देखो दांत, ठीक है, जो ये जिस पे दांत लगे होते हैं ना इसको हम एल्वियोलर बोन बोलते हैं, और ये हमारी एक आर्च है, ठीक है, और ये सेकंड वन, ठीक है। अब इसको हम कैसे डेंटेशन को बांट देते हैं, इसको ऐसे बांट देते हैं, ठीक है, तो ये दांत इधर आधी उसमें हो गया और ये हाफ आ गया, तो हम हाफ आर्च को ही डेंटेशन में काउंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसी से पता कर लेते हैं कि पूरे माउथ में कितने दांत हैं, ठीक है, आगे वो देखते हैं। तो अब मेरे को बताना था कि मैक्सिलरी क्या होती है और मैंडिबल क्या है, वो मैंने तुम्हें बता दिया। तो हम सबसे पहले मैमिलियन टीथ का, हम मैमल से इतना तो पता ही होगा, मैमिलियन टीथ का क्या देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हम हर एक दांत को किसी ना किसी लेटर से क्या बोलते हैं यार, उसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हम हर किसी ना किसी दांत को किसी लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारे 32 टीथ है, हमारे कितने टीथ है, 32 टीथ, इसके अंदर इंसाइजर्स है, कैनाइंस है, प्रीमोलर्स है और मोलर्स है, ये तुम्हें पता है। इंसाइजर्स कितने हैं, अब हम यहाँ से काउंट करके मैं तुम्हें दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट, सेकंड, ये सेंट्रल इंसाइजर कहलाते हैं, फर्स्ट और सेकंड,
फर्स्ट सेकेंड ये सेंट्रल इंसाइजर्स है, फिर ये लेटरल इंसाइजर्स है, तो चार इंसाइजर्स ऊपर हो गए और चार ही इंसाइजर्स हमारे पास ये दिख रहे हैं, ये वाले जो टीथ है ये, इन्हीं को हम बोलते हैं इंसाइजर्स। यहाँ पर भी सेंट्रल इंसाइजर्स ये दो और ये लेटरल इंसाइजर्स, तो इंसाइजर्स कितने हैं, चार ऊपर और चार नीचे, एट, ठीक है। उसके बाद हम कैनाइंस देखते हैं, कैनाइंस कितने होते हैं, तो जो ये वाले टीथ है ये वाले ऐसे देखो, ये जो स्लोप बना हुआ है, ठीक है, जो ये टीथ है ये हमारे पास कैनाइन है, और जो ये इधर ये टीथ है इसको भी हम कैनाइन बोल रहे हैं, ठीक। तो ये जो कैनाइन है इधर भी एक होगा, इधर भी एक है और नीचे भी दो है, एक एक दो तीन चार, तो कैनाइन कितने हो गए हमारे पास, फोर। प्री मोलर्स बच्चों में नहीं होते, ठीक है, लेकिन बड़ों में होते हैं, इसीलिए ये भी हमें आना चाहिए। तो जो प्री मोलर्स है वो कितने होते हैं हमारे पास, वो भी काउंट करते हैं, तो वन टू, दो प्री मोलर्स, दो प्री मोलर्स फोर, और नीचे भी फोर, तो फोर फोर एट प्री मोलर्स। अब मोलर्स कितने होते हैं, तीन मोलर्स होते हैं, ठीक है, जो परमानेंट डेंटिशन होती है उनके अंदर, तो तीन इधर हो गए और तीन इधर हो गए, छः और तीन इधर और तीन इधर, तो ये कितने हो गए हमारे पास, बारह। अब इन दोनों को जोड़ दो, आठ और आठ सोलह, सोलह और बारह, ठीक है, और चार टोटल मिला के 32। सबसे पहले डेंटिशन देखेंगे हम, ये इनसाइजर्स ऊपर कितने थे, दो, और नीचे भी दो, हाफ आर्च लेनी है हमने, ये याद रखना। ऊपर देखो इनसाइजर कितना, वन एंड टू, टू इनसाइजर, तो हमने टू लिखा और नीचे भी इतना ही होगा, इनसाइजर्स हो गया। उसके बाद हम के नाइन के ऊपर आते हैं, ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, के नाइन। उसके बाद हम देखते हैं प्रीमोलर्स, प्रीमोलर्स ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो। बाद में देखें हम मोलर्स, मोलर्स में कितने हैं, ऊपर दो होते हैं बच्चों में मोलर्स और नीचे भी दो, तो टोटल मिला के कितने दांत हो गए, दस, ठीक है। अब ये तो हाफ का हो गया, ऊपर और नीचे, और इसमें क्या करना है, इतना ही और ऐड कर देना है क्योंकि हमने हाफ किया है, तो टेन, तो ट्वेंटी हमारे पास हो गए बच्चों के। उसके बाद अगर हम देखें इनसाइजर्स, तो इनसाइजर्स भी कितने होंगे, टू वन, सी अगर कैनाइन देखें परमानेंट में तो भी वन वन होगा, प्री मोलर्स अगर देखेंगे तो टू टू, और मोलर्स अगर हम देखेंगे तो थ्री थ्री, जो कि 16 हो जाएगा, 16 प्लस 16 इज इक्वल्स टू 32। तो ये हम ऐसे डेंटिशन का जो हमारे पास क्या है उसका नोमेनक्लेचर या उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हम ये देखते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है ये ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसका बताया मैंने, डेसिडियस का, और ये परमानेंट का, और मैमिलियन डी का फॉर्मूला है ये, ओके। अब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले आज हमने क्या पढ़ा उस चीज़ को हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, समराइज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ नया पढ़ने से पहले अब हमने कितना पढ़ा है उसको समराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या होती है, ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं, तो डेंटल एनाटॉमी क्या है जिसमें हम डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं टूथ का, ठीक है, उसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका फंक्शन पढ़ रहे हैं, और हम एक दांत को आइडेंटिफाई कैसे कर पा रहे हैं वो सब जो स्टडी होती है उसको हम डेंटल एनाटॉमी में पढ़ते हैं। अब हमारे पास सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी, इसकी फर्स्ट चीज तो डेफिनेशन थी, सेकंड चीज हमने पढ़ी कि डेंटिशन क्या होता है, ठीक है। तो डेंटिशन दो तरह का है, प्राइमरी है और परमानेंट है, प्राइमरी को हम डेसिडियस भी बोलते हैं और परमानेंट परमानेंट होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये और ये, इसमें कितने दांत होते हैं और इसमें कितने, कब शुरू होता है और ये कब खत्म होता है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। मिक्स डेंटिशन में हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, मिक्स डेंटिशन जो होता है वो 6 से लेकर 12 साल तक रहता है, और जो फर्स्ट मोलर है वो कब आता है, फर्स्ट मोलर, ये चीज याद रखना, मैं तुम्हें शायद बताना भूल गई, जो फर्स्ट मोलर है वो हमारे पास आता है जब हम 6 इयर्स के होते हैं, सेकंड मोलर हमारे पास तब आता है जब हम 12 साल के हो जाते हैं, और जो थर्ड मोलर आता है वो हमारा 18 प्लस में कभी भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 का टेबल याद रखना, 6, 12, 18, ठीक है। तो इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारे मोलर्स कब आने वाले हैं। उसके बाद हम कंप्लीट डेंटिशन हमारी कितनी दांतों की होती है, 32 टीथ की होती है, ये हमने पढ़ना है, सॉरी पढ़ा, ठीक। उसके बाद नोमेनक्लेचर क्या होता है, नोमेनक्लेचर में हम क्या पढ़ते हैं, दांतों के बारे में, उनका नामकरण हम कैसे करते हैं, नाम कैसे देते हैं और उनका फॉर्मूला कैसे है। तो अब हमारे पास दो डम थी, मैंडिबल और मैक्सिलरी, मैक्सिलरी ऊपर होती है, मैंडिबल नीचे होती है, ठीक है। अब जो मैंडिबल और मैक्सिलरी है वो आर्च है उधर उनके ऊपर, तो हम अब उनमें फॉर्मूला क्या यूज कर रहे थे वो देखना है। तो अब डेसिडियस टीथ का अलग होता है और परमानेंट का अलग होता है, तो 212 ये हमारे पास 2102, ठीक है, ये हमारे पास डेसिडियस का हो गया, परमानेंट का क्या हो गया, 2123, ये हमारे पास परमानेंट का फॉर्मूला हो गया, ये जो हमने प्लस वन में पढ़ा हुआ है। आज हमने सिर्फ इतना पढ़ा, ठीक है। तो आज हमने जितना पढ़ा इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करना, ताकि तुम्हारा ये बेसिक जब स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे जाके तुम अच्छा कर पाओगे, ठीक है। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय, और पढ़ते रहो और अपनी लाइफ, कॉलेज लाइफ को भी एंजॉय करो।